तो कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ पड़क्कू की सूझ से। और इस क्रियाकलाप को खोलने के लिए, के पास जाने के लिए आपको निकालनी है अपनी पुस्तक और निकालना है पृष्ठ संख्या 94। तो चलिए देखते हैं हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। तो क्रियाकलाप है कविता में कहानी। अरे कविता में कहानी कैसे हो सकती है? कविता तो कविता होती है और कहानी कहानी होती है ना। चलिए देखते हैं कि इस मजेदार से क्रियाकलाप में हमें करना क्या है। पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। जी हाँ, पड़क्कू की सूझ में पड़क्कू नाम के एक इंसान के बारे में कहानी कही गई है। तो उसी कविता को हमें कहानी का स्वरूप देना है। जो हमें कहानी छिपी हुई है उसे हमें बाहर लेके आना है। तो पहले क्या करें, सीधा कहानी लिखने लगे? जी नहीं, सबसे पहले उस कविता को दोबारा से पढ़ते हैं। ये रही हमारी कविता, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा की कोरे बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। जी हाँ, तो यह थी कहानी पड़क्कू और कोल्हू के बैल के मालिक के। तो चलिए अब इसको लिखते हैं कहानी स्वरूप, यानी कि इस कविता को बदलते हैं कहानी के रूप में। तो कहानी का नाम क्या होगा? जो कविता का नाम है मैंने तो कहानी का नाम वही दे दिया। आप अपनी कहानी का नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर इतना जरूर रखिएगा कि वह आपकी कहानी से मिलता हो। तो मेरी कहानी का नाम वही है पड़क्कू की सूझ, और ये रही मेरी कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। एक बार एक आदमी था जो बहुत ज्यादा तर्कशास्त्र की किताबें पढ़ता था। वह इतना पढ़ता था कि उसका नाम ही पड़क्कू हो गया। एक दिन उसके दिमाग में आया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। इस सवाल पर वह कुछ दिनों तक परेशान रहता है और सोचने लगता है कि उसके मालिक ने उसे कोई कला या ढंग सिखा दी होगी। कि हाँ, यही तो उसने बोला था ना, कोई ढब सिखा दिया होगा। तो एक दिन उसने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे वे कैसे समझ लेते हैं कि कोल्हू का बैल यह घूम रहा है या खड़ा है या पागुर कर रहा है खड़े खड़े। तब मालिक ने उत्तर दिया कि बैल के गले में घंटी बंधी है, जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जब घंटी से आवाज आना बंद हो जाती है तो मैं उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। इस बात पर पड़क्कू मालिक पर हंसने लगा और कहता है कि यदि किसी दिन यह बैल खड़ा खड़ा ही अपनी गर्दन हिलाता रहा तो शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं निकल पाएगा। अब यह सुनकर मालिक हंसा और कहा कि पड़क्कू जी, अभी हमारा बैल इतना समझदार नहीं हुआ है, आप अपना ज्ञान वहीं फैलाएं जहां से लाए हैं। जी हाँ, तो यह थी कहानी पड़क्कू की सूझ, जो कि हमने कहां से ली?
हमने उसी कविता से ली जो कि आपकी पुस्तक में दे रखी है। तो आपको भी अपनी कहानी खुद लिखनी है इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने लिखी है कहानी कविता के आधार पर। अब आप भी लिखिए, आप कुछ अलग ढंग से लिखिए और मुझे बताइए आपने कैसे लिखी है ये कहानी। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कविता कहानी या क्रियाकलाप लेकर।